किसी मानव को उठा के आते हैं। अभी इन्फेंट मोर्टैलिटी में जो यूएस में रेट है वो केरल में रेट है। हर चीज शिक्षा में कुपोषण क्या कारण है? सरकारों को आप बधाई दे सकते हैं कि तमिलनाडु में केरल में क्रांति कैसे आई, सरकारों ने भी अच्छा काम किया, राजनीतिक नेताओं ने भी अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं शुमार अगर होगी तो समाज चाहे 19वीं सदी में नारायण गुरु जैसे सोशल रिफॉर्मर आए, सामाजिक क्रांति उन्होंने शुमार की, जो भी उन्होंने हुआ समाज के विभिन्न लोगों ने समय समय पे उसको सीखने का काम किया और आज सुनहरा मौका है। तो सामाजिक क्रांति हमें लानी चाहिए, समाज को दिशा देना हो, सिर्फ चुनाव की फिक्र, सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़ में अगर हम लोग लगे रह जाएंगे तो जो दायित्व तो देश ने हमें सौंपा है आज समय है बोलने। राष्ट्रवादी कौन है, इस देश के मंत्री से क्या कौन करता है, इस देश के हर गरीब के साथ कौन खड़ा है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं आज हो रही, बहुत अलग अलग परिभाषाएं हो रही। लेकिन मैं मानता हूं कि जब देश के ढांचे में प्रहार हो, देश के संविधान में प्रहार हो, देश में अरे में एकता के परंपराओं में अगर प्रहार हो रहा हो, आक्रमण हो रहा हो, अगर आज हमें से एक भी साथी शांत रह जाता है तो शायद सबसे बड़ा देश हो। इसलिए हमें की आवश्यकता थी, राजनीतिक हालात भी कुछ ऐसे हैं, हम शरद जी ने इस अवसर पर सबको इकट्ठा कर, आपने चौधरी शरद सिंह जी के साथ बहुत समय बिताया, हमेशा सफलता नहीं मिली, वो कठिन दौर था, लेकिन आज वो एक धारणा बन रही कहा जाता है कि अपने देश को जोड़ना, पूरा देश एक होना चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। गाड़ियां बढ़ रही है, उनकी बात अच्छी है, देश एक है, लेकिन सरकार के करने और कहने से एक नहीं, हमारे खून में हमारे दर्शन है उठा, हमने आज प्रधानमंत्री कहते हैं अब 5 साल संकल्प लेना है, संकल्प से सिद्धि, सिर्फ संकल्प लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं, और 5 साल की यदि परिभाषा उनको करनी थी तो चुनाव पर था, लोकसभा पर था, 3 साल हो गए, लेकिन नारा बहुत अच्छा, बात बहुत अच्छी की, प्रधानमंत्री जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें दो डू, उस बात को कोई काट हम लोग नहीं होना चाहते, हम उनकी लड़ाई में जरूर निरंतर एक है और एक साथ रहे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा और पश्चिम में क्या एकता का मतलब ये है कि एक ही भाषा, एक ही जो है बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, विचार, राजनीतिक मंच एक ही होना चाहिए? विभिन्न पार्टी के नेता मौजूद, जो नारा दिया जा रहा था पहले, कहा था कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत की ही रखना चाहती है, और जो हमारे पुरानी कहावत थी कि कोस कोस पानी बन गए, चार कोस पे पानी, आप भाषा के माध्यम से नहीं ठोक सकते, ये हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति की महानता हमारी विविधता में है, सद्भाव की जो भावना है, जो हमारी परंपरा है, उससे हमारी संस्कृति, और इसलिए जो साथी रियासत का नारा आप दे दिया शरद जी, आज हम सब लोग सम्मिलित हैं, चुनौती भी बहुत बड़ी, क्योंकि इससे सामना हमें करना बहुत ताकत है। रामलाल का नारा दिया था, यूपी वालों को यमराज की याद दिला दी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलता है एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक है, भ्रष्टाचार से चलता है कि एटीट्यूड मानसिकता को हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर कोई एक भाई दूसरे भाई पे वार करता है, कहकर गाड़ी लंबी है, तेरा पजामा छोटा है, गाय को कहां
लेके जा रहा है, तू ये भय कहां लेके जा रहा है, तू कौन सी भाषा बोल रहा है, और उस पे वार कर देता तो क्या चलता है। अगर देश में स्वतंत्रता के पर्व के कुछ ही दिन पहले खबर आती है कि 70 साल हो गए 70 अस्पताल में मर जाते हैं, और उसे बताया जाता है कि हादसा है, हादसे होते रहे हैं, वो फिर चले आएंगे, आगे बताए जाते हैं, क्या ये चलता है। एक स्वर में आज हम कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलता, ये गाड़ी चलने वाली, और इसलिए आज हम सब एक संकल्प है। संकल्प की बहुत बात हो गई, एक जो सरकार ने संकल्प किए थे 3 साल पहले, हम सबको कहीं ना कहीं याद दिलाना चाहिए। मैं मन में उमर महसूस, और इसलिए मुझे नौजवानों का कारण करती हूँ कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर महीने 1 करोड़ 20 लाख नौजवान उसमें और शामिल हो रहे हैं, और सरकार के आंकड़े नहीं। अभी 2015-16 का जो लेबर सर्वे आया उसमें कहा कि 3.7% है बेरोजगारी देश, क्या इस आंकड़े को आप स्वीकार कर सकते? इसका तरीका मैं बता देता हूं, अगर आपने 1 साल में 30 दिन भी काम कर लिया तो आप बेरोजगार, और उस आधार पर 3.7% हम सब लोग जानते हैं, जनप्रतिनिधि है, राजधानी के समीप किसी गांव में जाकर देख लीजिए सुबह और शाम, अगर आपको 300 घंटे ऐसे चोरी बेकार चलते फिरते ना मिल जाए, और अगर उनके काम ना मिले तो कह रहे कि सवारी आ गई है इस पे चल जा, आग लगानी है 500 रुपये की गाड़ी मिलेगी। तो बात यह है साहब कि वो जो युवा शक्ति है, जो ऊर्जा उनके अंदर है, उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि त्योहार का मतलब ये होता है, त्योहार का मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदू वादी हो तो झंडा लेकर निकल पड़ो, और हर एक के चेहरा में वो झंडा लेते चलो, और राम जी का नारा लेते चलो, और जो अगर आपके साथ नारा नहीं ले बोलेगा वो देश का हिस्सा नहीं, वो देश का नहीं। अगर हमारा देश वाकई एक है और हमारा एक बदन है, अगर एक अंग में चोट लग जाती है, एक अंग बीमार हो जाता है तो रोग पूरे बदन में फैल जाता है। तो इनकी परिभाषा को नकार करके आज हमें संकल्प में यहाँ से जा रहे हैं। वैसे तो 4 गोष्ठी होनी थी, गोष्ठी का रूप सम्मेलन में तो 3 हो गया, क्योंकि इनका व्यापक जन समर्थन था कम समय, बधाई की बात, और मैं अभिवादन करता हूँ सरकार को पूरा है। लेकिन एक संकल्प लेकर जाए कि यहाँ से निकल के आप लोग जाए, और ये सब नेता बैठे हैं, इनको तय करना है क्या आपका जवाब देना है कि गोष्ठी से लेकर बूथ तक, क्योंकि ये लोग तो जिनसे सामना हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं, आप जंतर मंतर में बैठे रहे हो, हजारों किसानों में लेकर धरने में बैठे रहो, क्या हुआ उन्हें सौ में, ये कोई जवाब नहीं मानते, ये सिर्फ देखते हैं कि हमारी वोट कितनी आए, हमारी सीट कितनी आए, यही है इनके जो सफलता का मंत्र। तो इसलिए हम सबको यही उपाय ढूंढना होगा कि कैसे मिलकर वही गोष्ठी से लेकर बूथ तक जो ये नारा दिया है सारी विरासत बचाओ, ये हर एक व्यक्ति की जुबान पर वहां तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, एक एक यहाँ से प्रण ले और निकले। पूरे देश में जो लोग आग लगा रहे हैं, चाहे सहारनपुर की घटना, लिंग भेद, जाति भेद, यही नहीं यूके तक आरएसएस का संगठन यूनाइटेड किंगडम कानून बनाना चाह रहा है जातिवाद के, तो वहां भी आगे गए। मेरा यूनिवर्सिटी का एक छात्र राहुल चौधरी, अगर रोहित बरमुडा को याद रखते हो तो राहुल चौधरी का नाम सीनो प्रोफेसर का नाम लेकर चला गया कि मेरे जाति के कारण जो है मुझे गरीब किया जाता था, उसने आत्महत्या कर ली थी या 4 दिन पहले। हम लोग संकल्प ले यहां से निकल के जाएंगे, जो आ लगाएगा, जो ये नंगा तांडव करेगा, नफरत का तांडव को तोड़ने का काम और शांत करने का काम यहां मौजूद, अरे लेते हो कि नहीं लेते। धन्यवाद।